हाय गाइस, वेलकम टू लव्स किचन। आज हम दम आलू बनाएंगे। छोटे आलू, इनका एक खास स्वाद होता है। ये रिच ग्रेवी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने छोटे छोटे आलूओं को छीलकर धोकर रखा है। एक फोक की मदद से इन आलूओं में हम छेद कर लेंगे। इससे आलू फ्राई करते वक्त अच्छे से पक जाएंगे। वैसे तो आलू डीप फ्राई करते हैं दम आलू के लिए, पर हम यहाँ पर आलू शैलो फ्राई करेंगे और गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ढाबे में या फिर होटल में आलू जब हम फ्राई करते हैं दम आलू के लिए, तो वहाँ पे अच्छे से ज़्यादा तेल में डीप फ्राई किया जाता है। बट घर में इतने तेल में आलू फ्राई करना ना ही हेल्दी है और कॉस्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे शैलो फ्राई करके इनको निकाल लेंगे। और अब जो लेफ्ट ओवर थोड़ा सा तेल हमने लिया है कढ़ाई में, इसमें 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको हमने स्लाइस करके रखा है, 1-2 टुकड़े अदरक के इसमें हम डाल देंगे और डाल देंगे करीब 1-2 चम्मच काजू। थोड़ी देर इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और अब इसमें 1 टमाटर काट के डाल देंगे। ये सब हम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने तक पकाते रहेंगे और सॉफ्ट हो जाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। यही हमारी दम आलू की ग्रेवी का बेस होगा। अब फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। हम सेम कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं और इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ते, डाल देंगे साबुत ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और हरी इलायची, और इसका तड़का हम यूज़ करेंगे। खुशबू आने तक इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे मीडियम आँच पे। जो पेस्ट हमने बनाया था अभी अभी प्याज और काजू का, वो पेस्ट अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे कुछ देर पकने देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और थोड़ा स्पाइसी अगर चाहते हैं तो 1 मिर्च हमने यहाँ पे काट के बारीक इसमें डाल दी है। साथ ही हमारे जो पाउडर्ड स्पाइसेस हैं, यानी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। स्क्रीन पे मैंने इसकी डिटेल्स दे दी हैं कितनी क्वांटिटी में डालना है। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। जिस बर्तन में मैंने पेस्ट बनाया था उस पेस्ट में ही पानी डाल के मैंने लेफ्ट ओवर भी इसमें डाल दिया है। एक बार कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे कितना गाढ़ा है। थोड़ा सा और पानी ऐड किया मैंने क्योंकि बहुत गाढ़ा हो जा रहा था। इतना ग्रेवी परफेक्ट है। अब मैंने फ्राइड आलूज इसमें डाल दिए हैं और ये आलू 60% के करीब फ्राई करे हुए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें हम ऐड कर देंगे। उबाल आने देंगे। हल्का सा चीनी मैंने इसमें डाल दिया है बैलेंस करने के लिए। आप कभी सब्जी वगैरह में हल्का सा चीनी डाल के देखिएगा, उससे टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। और दम आलू बिल्कुल रेडी हो चुका है। करीब 10 मिनट मैंने इसको धीमी आंच पे पकने दिया था। थोड़ा सा इसमें मैंने देसी घी ऊपर से डाल दिया है। बिल्कुल रेडी है। पूड़ी के साथ खाएं या पराठे के साथ। यहाँ पे मैं इसे पराठे के साथ ट्राई कर रहा हूँ। आपको अगर पूड़ी के साथ पसंद है तो आप दम आलू पूड़ी के साथ खाइएगा। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इस तरह से दम आलू आप बना के देखिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो यू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।